हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता सिंह आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ बहुत अलग सा, बहुत अमेजिंग सा। जी हाँ, ये है इडली। और वैसे तो सभी लोगों ने इडली सांभर, फ्राइड इडली बहुत खाई है। आज हम इसका बनाने वाले हैं कुछ अलग, कुछ नया सा, जो कि है इडली टिक्का। इसको हम ग्रिल्ड इडली भी बोलेंगे। इडली टिक्का बनाने के लिए इन इडलियों को हम स्क्वायर शेप में काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये स्क्वायर शेप में कट हो गए हैं। अब इसका हम मिक्सचर बनाएंगे जिसमें हमको इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए ये मैंने 1 कप कर्ड लिया है। इसके अलावा यहाँ पर लहसुन अदरक का, ये जो गार्लिक जिंजर है इसका पेस्ट लिया। ये मैंने 3 स्पून भर के लिया पूरा पूरा। इसमें 1 स्पून भर के मैंने हल्दी पाउडर लिया, टर्मरिक है, और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। ये भी करीब 1 स्पून भर के लिया है। इसके अलावा 1 स्पून पूरा भर के धनिया लिया, और साथ में 1 स्पून पूरा फुल यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला। इसके बाद में यहाँ पर मैंने ये ब्लैक सॉल्ट लिया, काला नमक वो भी 1 स्पून भर के लिया था, और काली मिर्ची टेस्ट के लिए डाला, ये भी 1 स्पून है। इसके अलावा हम गरम मसाला डालते हैं, ये गरम मसाला ये भी 1 स्पून है। मतलब आपको अलग से बहुत लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सारे 1 1 स्पून लिए हमने। और फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर कसूरी मेथी डाला है, ये भी 1 स्पून है। बस इसमें ध्यान रखना है कि नमक जब आप डालेंगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करना है। यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ ये 3/4 मैंने स्पून भर के लिया है। इसमें इसका लास्ट इन्ग्रीडियंट बेसन है, बट बेसन डालने से पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी पता चले, और इसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर हम बेसन को मिक्स करेंगे ताकि वो थोड़ा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और हमारा जो कैप्सिकम है और इडली है और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हमें मैरिनेट करना है वो उसमें अच्छे से कवर अप हो। ये देखिए कितना अच्छा लगने लगा है अभी से। अब इसमें हम बेसन डालेंगे, ये मैंने 1 स्पून डाला, और अब ये 2 स्पून, और यहाँ पर 3 स्पून, तो इस तरह से ये, और थोड़ा और डाला है। इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे कि कैसी है। तो अब ये हमारा जो इडली टिक्का है उसको मैरिनेट करने के लिए मैरिनेशन मिक्सचर रेडी हो गया है। साथ में मैंने जो स्क्वायर शेप की इडलियाँ काटी थी वो है, और उसको और बढ़िया कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कैरेट लिया है, अनियन है, और स्क्वायर शेप का ही कैप्सिकम है। इन सब को मैंने स्क्वायर शेप में काटा है, और अब ये रेडी है मैरिनेशन करने के लिए। आप चाहें तो आपके और भी यदि आइडिया है कुछ अच्छा अच्छा और करने का जो मैरिनेट हो सके और टेस्ट में अच्छा लगे, आप उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे टोमेटोज़ वगैरह हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके अब हम मैरिनेट करेंगे। हमने मैरिनेट करने के लिए इडलियों के पीसेस स्क्वायर वाले डाले, फिर ये कैरेट्स डाले, और कैरेट्स के साथ साथ यहाँ पर हमने जो अनियन के स्क्वायर पीसेस काटे थे वो डाल लिए हैं, और साथ ही कुछ कैप्सिकम के पीसेस जो कि स्क्वायर में हैं इसको भी हमने यहाँ पर डाल लिया। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी प्रॉपर कोटिंग करेंगे। अब ये रेडी हैं, इनको हम स्टिक में लगाएंगे और फ्रिज में करीब 1/2 घंटे रखेंगे, या फिर फ्रीज़र में करीब 15 मिनट रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो सके। ये देखिए, इनको मैंने 15 मिनट्स फ्रीज़र में रखा था, डीप फ्रीज़र में, और उसके बाद में मैंने अपने स्टिक में इसको सेट किया है बहुत अच्छे से। अब ये ग्रिल होने के लिए या रोस्ट होने के लिए रेडी हैं। आपके पास में यदि बारबेक्यू है तो बारबेक्यू का यूज़ करें, और यदि माइक्रो है, माइक्रोवेव, तो आप माइक्रोवेव में, और नहीं तो हम इसको गैस में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। ये अब हमने ग्रिल करने रख लिया है सारी स्टिक्स को, और इसमें यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए और अच्छा इसमें ऑयली थोड़ा सा लाने के लिए मैंने बटर डाल रही हूँ ऊपर से। देखिए कितना अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है।
इससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा और खाने में मज़ा आ जाएगा। देखिए इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आने लगा है और ये धीरे धीरे करके रोस्ट होने लगा है। आप लोग को इसके हर साइड से धीरे धीरे करके ऐसे रोटेट करते जाना है ताकि हर साइड को एक अच्छा सा फ्लेवर मिल सके और बढ़िया टेस्टी लगे और सबको मज़ा आए खाने में। तो ये देखिए रेडी है हमारी अनोखी इडली टिक्का वाली डिश। और इसी तरह की कुछ अलग सी हट कर की डिश के लिए प्लीज़ नीताज फूड जंक्शन को सब्सक्राइब करें। यदि आपने नोटिफिकेशन में नहीं डाला है तो नोटिफिकेशन में डालिए और इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि हमें आपका प्यार बहुत आगे तक बढ़ाता है, इनकरेजमेंट देता है और हम खुद चाहते हैं कि नई नई डिश आप लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।